दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय अभ्युदय पाइल्स। नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। हिमाचल के कुल्लू में बादल फट गया है। इस घटना में 100 बरामद हुआ है और 9 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। कई मकान क्षतिग्रस्त है। जिला प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शादी ईदगाह विवाह पर आज फैसला आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस विवाद पर अपना फैसला आज सुना सकता है। आज 15 याचिकाओं पर फैसला आ सकता है। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद एक दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क इपोपो चौक मेट्रो स्टेशन के पास घटी हाई टेंशन तार एक पेड़ से जा गिर गया सड़क पर जा रहे, जिससे 3 व्यक्ति की करंट की चपेट में आने से मौके पर मौत हो गई। जलभराव के कारण काफी देर तक शव का पता नहीं चल पाया। 3 शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गुरुग्राम पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। भारी बारिश के कारण दरियागंज के एक निजी स्कूल की दीवार गिर गई, जिससे आसपास खड़े वाहनों को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण चार धाम की यात्रा स्थगित कर दी गई है। बारिश के कारण नदियों का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे नदी और नाले उफान पर पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड के लिए आज रवाना हो गए हैं। वे यहां राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। भीषण लैंडस्लाइड के कारण अब तक केरल में 254 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग अब भी लापता है। 8000 से ज्यादा लोग राहत शिविर में शिफ्ट किए गए हैं। वायनाड में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। उत्तराखंड में भारी बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को कहा कि उड़ीसा में अगले 2 दिन तक तेज बारिश होने की संभावना है। भुवनेश्वर केंद्र के अनुसार गुरुवार को अंगुल, डेकलनाक, कटक, बौन, सोनपुर, संबलपुर, भद्रक, बालासोर और केंद्रपाड़ा, खुदरा, जगतपुर, सुरेंद्रगढ़, देवगढ़, क्योझर, मयूरभंज जिलों में भारी से अधिक बारिश की संभावना होने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ का 71 साल की उम्र में ब्लड कैंसर से जूझने के बाद आखिरकार निधन हो गया। बीसीसीआई महासचिव जय शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ के निधन पर शोक व्यक्त किया है। दिल्ली में तेज बारिश की वजह से आज 1 अगस्त को सभी स्कूल बंद रहेंगे। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी की। राष्ट्रपति पुतिन ने केरल के वायनाड में भूस्खलन से हुई घटना पर रूस के दुख व्यक्त किया है। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी को शोक संदेश भेजा है। आईपीएल टीम मालिकों को बुधवार को बीसीसीआई अधिकारियों से मुलाकात के दौरान मेगा नीलामी को लेकर इंपैक्ट खिलाड़ी नियम तक के मुद्दे पर बातचीत हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश को लेकर सचिव आपदा प्रबंधन से फोन पर अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों एवं राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को शाम भारी बारिश के कारण अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बारिश की वजह से गाजीपुर में 22 वर्षीय एक महिला और उसका बच्चा डूब गया। इसके अलावा प्रमुख इलाकों में भी यातायात प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में हो रही भारी बारिश के कारण अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग लापता बताए जा रहे हैं। दिल्ली में भारी बारिश के चलते 1 अगस्त यानी आज से सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली की शिक्षा मंत्री अतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी।
कांग्रेस सांसद सितंबर के पहले हफ्ते में अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। इस दौरान राहुल गांधी शिकागो, कैलिफोर्निया और डलास में रहेंगे। साथ ही वो वॉशिंगटन और लॉन्च एजिटल्स भी जा सकते हैं। दौरे पर राहुल भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात करेंगे। उद्धव ठाकरे के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े ने कहा कि उद्धव ने फडणवीस को लेकर जो बयान दिया है वो अहंकार से भरा हुआ है, उनका यह अहंकार जनता तोड़ेंगी। दाऊद से पूछताछ के मामले में जुटी नई नई जानकारी सामने आ रही है। दाऊद ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। दाऊद ने बताया कि वह यशस्वी से शादी करना चाहता था, लेकिन यशस्वी उसे लगातार मना कर रही थी। साथ ही ये बात भी सामने आई है कि दाऊद हत्या के मकसद से बैंगलोर से आया था। बैंगलोर से ही दाऊद ने चाकू भी लाया था, जिससे लेकर वे नवी मुंबई पहुंचा था और उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। महाराष्ट्र में पिछले चार दशकों से मराठा आरक्षण की मांग चल रही है। इस बीच तमाम पार्टियों की सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने भी मराठा आरक्षण को अमल जामा नहीं पहनाया। मराठा समुदाय लंबे समय से सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की मांग कर रहा है। अब तक की 20 खबरों में मेरे यानी पारस के साथ इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे महान्यूज 7। नमस्कार। क्या आप भी पाइल्स से परेशान हैं? क्या इलाज करने के बावजूद भी आपकी पाइल से जुड़ी समस्याएं दूर नहीं हो रही हैं? तो जड़ से खत्म करने की चिंता अब छोड़िए, क्योंकि अब आरोग्यम क्लिनिक एंड पाइल्स रिलीफ सेंटर में होगा लेजर टेक्निक से आपका इलाज। बिना तकलीफ से लेजर टेक्निक और दूरबीन द्वारा इलाज, बिना ऑपरेशन, हर्निया, अपेंडिक्स जैसे इलाज अब दूरबीन द्वारा। आरोग्यम में इलाज पर बड़ी छूट, पहले आए और बेहतर इलाज पाएं। हमारा पता, प्लॉट नंबर 29, डोए लेआउट, जिंगाबाई टाकली, मानकापुर, नागपुर। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी, अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाए जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICIG स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता, प्लॉट नंबर 46, शिवम अपार्टमेंट, थर्ड फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, थंतोली, नागपुर, 440012। संपर्क करें 9226466779। सचिन लाइफस्टाइल में शुरू हो गया एक जबरदस्त धूमधड़ाका सेल, जहां आपको सभी प्रकार के कपड़ों पर मिलेगा बाय वन गेट वन फ्री जैसे बेहतरीन ऑफर्स। सभी के मन को लुभाने वाले कपड़े अभी मिलेंगे एक ही छत के नीचे। इस अवसर का निश्चित ही लाभ उठाएं और आज ही सचिन लाइफस्टाइल शोरूम में विजिट करें। एक्सप्लोर अवर एक्सटेंसिव कलेक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फैब्रिक्स। सचिन लाइफस्टाइल। हमारा पता, रमानगर, शताब्दी चौक, बैलतरुड़ी, नागपुर। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की, बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। We are always for your health care. हमारा पता, रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट अकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, NEET, AIIMS, KVPY, MHD, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, प्लॉट नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड, नियर काला मारुति टेम्पल, जयमंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380।
और 9049079674।